हेलो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट वाला अपन एक कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग आपको कल कंपोनेंट लेना सिखाए थे, तो मैंने क्या बताया था, जब भी आप थीटा की साइड में कंपोनेंट लेना चाहो, मतलब एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के साथ अगर कोई भी वेक्टर थीटा एंगल बना रहा हो, तो जिस भी एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा हो उसके साथ क्या लगाएंगे, कोस थीटा लगा के उस एक्सिस के अलोंग क्या ले लोगे आप कंपोनेंट। मतलब अगर एक्स एक्सिस के साथ आप गठक लेना चाहो, हिंदी में भी और इंग्लिश में दोनों में साथ चलेगा, जैसे F1 है, ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो इस साइड इसका कंपोनेंट या गठक लेने के लिए आप क्या करोगे, F1 कोस थीटा, ठीक है। फिर थीटा इस साइड है, तो दूसरी उस साइड में क्या लोगे, अब F1 साइन थीटा ले लोगे, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, थोड़ा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ F1 एंड F2 इफ F1 एंड F2 मेक्स एन एंगल 30 डिग्री एंड 45 डिग्री विथ F3 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ F3 इज 10 न्यूटन। क्या है कि F1 और F2 कोई दो वेक्टर हैं, वो F3 के साथ 45 और 30 डिग्री एंगल बना रहे हैं, जो मैंने यहां पे शो कर दिया है। अब आपको क्या निकालना है, यहां से F1 और F2 की अलग अलग वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले जो वेक्टर आपको पता है, जैसे F3 का मैग्नीट्यूड आपको पता है, मतलब या तो अननोन हो या नोन हो, जो पहले गिवन हो उसको ले लिया। तो ये क्या था, F3, तो F3 को लिया, इधर F1 को ले लिया और इधर F2 को ले लिया। अब F1 का एक कंपोनेंट तो F3 के साइड में ले लिया, और दूसरा वाला किस साइड ले लिया, दूसरी साइड ले लिया, एक्स एक्सिस के अलोंग ले लिया। तो ये तो हो जाएगा F1, ये 60 डिग्री हो गया, ये 30, तो ये तो हो गया F1 कोस 60, ये वाला F1 कोस 60 थीटा की साइड, और ये वाला हो गया F1 साइन 60, ठीक है, एम आई राइट। नेक्स्ट वाला देखो, F2 इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, 45, तो ये वाला हो गया F2 कोस 45, कितना हुआ, F2 कोस 45, और ये हो गया F2 साइन 45। और जो यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन कर रखी है, वो थोड़ा अलग स्टाइल से की कर रखी है, मैंने एंगल इधर से नहीं लिया है, इधर से लिया है, मतलब साइन और कोस चेंज होंगे। तो इसी हिसाब से करते हैं अपन। ये रहा F1, यहां पे 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा F3 की साइड में F1 कोस 30, वाई एक्सिस के अलोंग क्या हो जाएगा, F1 कोस 30। F2 का भी ले लो वाई एक्सिस के अलोंग, F2 कोस 45। और भी कोई वेक्टर हो तो उसका भी वाई एक्सिस के अलोंग ले लो, कोई वेक्टर नहीं था इनके अलावा, ठीक है। तो मैंने F1 कोस 30 ले लिया और F2 कोस 45, दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में थे, तो उनको दोनों को क्या कर दिया, ऐड। और फिर ऐड करते ही हमें गिवन भी था कि F3 एक वेक्टर है जो इन दोनों का क्या है, मतलब ये क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस के अलोंग था, तो वाई एक्सिस के अलोंग था, तो मैग्नीट्यूड इनका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। फिर इनके दूसरे कंपोनेंट लिए, F1 का लिया एक्स एक्सिस के अलोंग और F2 का भी लिया एक्स एक्सिस के अलोंग, तो ये तो हो गया F1 साइन 45, सॉरी F2 साइन 45, और ये हो गया F1 साइन 30। ये दोनों भी क्या हैं, इक्वल। तो एक इक्वेशन यहां से बन गई और एक इक्वेशन अपने पास यहां से बन गई। अननोन कितने हैं, दो, कौन कौन, F1 और F2, ठीक है। तो F1 और F2 दो अननोन हैं और दो इक्वेशन हैं, किसी एक को हटाओ, जैसे यहां से इक्वेशन नंबर दो नाम दे दिया मैंने इसको, और इसको इक्वेशन नंबर एक दिया। यहां से F1 की वैल्यू F2 की टर्म में उठाओ और यहां पे रखो, फिर उसके बाद अपने को क्या मिलेगा, F1 यहां से उठाया, मतलब F2 की वैल्यू अपने को मिल जाएगी। ये F2 की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रखो, आपको F1 की वैल्यू भी मिल जाएगी। अब देखो, वेक्टर वाले जो क्वेश्चन आते हैं अपने पास एग्जाम में, उनको सोल्व कैसे करते हैं, शॉर्ट ट्रिक है। जैसे कोई भी वेक्टर हो, आपको क्या निकालना हो, मान लो सी वेक्टर निकालना हो, ठीक है, और ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या हो, गिवन हो, तो निकालना कौन है, सी वेक्टर। और ये अल्फा और बीटा एंगल बना रहे हैं किसके साथ, सी वेक्टर के साथ।
तो सबसे पहले क्या करोगे आप, एक्स एक्सिस मानोगे एक को, और एक को मानोगे उसके जस्ट परपेंडिकुलर वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस किस एक्सिस के अलोंग मानोगे, सभी वेक्टर बनाओ और उनमें जो बीच वाला दिखाई दे उसी के डायरेक्शन में क्या मान लोगे, एक्स एक्सिस। तो यहां पे वेक्टर कौन सा था, सी वेक्टर, ये दोनों के बीच में था, दोनों के साथ अल्फा और बीटा एंगल बना रहा था, मतलब ज्यादा से ज्यादा रिलेशन रखने वाले वेक्टर को लेंगे, मतलब वो वाला वेक्टर उठाना है जो ज्यादा से ज्यादा क्या रखता हो, रिलेशन रखता हो। तो सी वेक्टर दो के साथ रिलेशन रख रहा था डायरेक्ट, जबकि ए वेक्टर सिर्फ सी के साथ, बी वेक्टर सिर्फ सी के साथ। तो ये वेक्टर ले लिया। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में अपन ए वेक्टर का इसी वेक्टर के अलोंग क्या लेंगे, कंपोनेंट। ये वाला अल्फा गिवन था, तो ये हो गया अल्फा कोस, कोस अल्फा, ए कोस अल्फा, ए कोस अल्फा। फिर बी वेक्टर का भी ले लो इसी डायरेक्शन में, तो ये क्या आ जाएगा, बी कोस बीटा। अब ये थीटा की साइड में ले लिया आपने। अब जो दूसरी वाली साइड है, मतलब परपेंडिकुलर साइड, उस डायरेक्शन में क्या आ जाएंगे, साइन आ जाएंगे। तो इधर तो आ जाएगा बी साइन बीटा, और इधर आ जाएगा जस्ट अपोजिट साइड ए का, ए साइन अल्फा। आगे अपन सोल्व करेंगे। देखो ये वाई एक्सिस जो मानी थी अपन ने, ये वाली, इसके अलोंग ए साइन अल्फा इक्वल टू बी साइन बीटा हो जाएगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। और जो तीसरा अननोन वेक्टर था वो किसके इक्वल आ जाएगा, ए कोस अल्फा प्लस बी साइन अल्फा, ठीक है, इन दोनों के सम के इक्वल आ जाएगा। एक क्वेश्चन देखते हैं। इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी मेक एंगल 30 डिग्री एंड 45 विद दियर रिजल्टेंट एंड बी हैज मैग्नीट्यूड इक्वल टू 10, देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए। क्या पूछा है अपने को, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे अपन। इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी मेक्स एंगल 30 एंड 45 विथ दियर रिजल्टेंट, मतलब कोई ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, उनका कोई रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट बीच में हमने क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया है। सपोज ये इनका क्या था, रिजल्टेंट, इसको मैंने नाम दे दिया सी, और ना दे तो भी चलता है। उसके बाद क्या था कि ये रिजल्टेंट के साथ 30 डिग्री और 45 डिग्री एंगल बना रहे हैं। एक बार ये 60 डिग्री, इसको 60 डिग्री ले लेते हैं, ये है 60, मतलब 30 डिग्री और 60 डिग्री एंगल बना रहे हैं। तो रिजल्टेंट के साथ एक तो मैंने बना दिया है, देखो यहां पे 30 डिग्री, और एक बना दिया है 60 डिग्री। एंड बी हैज मैग्नीट्यूड इक्वल टू 10, बी का मैग्नीट्यूड कितना है, 10 है, देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो देखो इनका जो रिजल्टेंट है, एक तो उस साइड में अपन क्या लेंगे, कंपोनेंट लेंगे दोनों के, और जस्ट रिजल्टेंट जिस साइड है उसके परपेंडिकुलर लेंगे। तो रिजल्टेंट की साइड लिया, तब तो क्या आया, बी कोस 60, ये क्या हो गया, बी कोस 60 प्लस ए साइन 30 इक्वल टू 0। और ए क्या आया, ए साइन 30, और इस साइड क्या आ गया, बी साइन 60, मतलब इनको मैंने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया, बी साइन 60 और ए साइन 30 को दोनों को क्या कर दिया, इक्वल, क्योंकि दोनों के दोनों किस डायरेक्शन में थे, अपोजिट डायरेक्शन में। और इनका जो रिजल्टेंट था, रिजल्टेंट कितना आया, ए ये वाला देख लो, ए कोस 30, ए कोस 30 इस डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि ये कितना है 30, तो ए का ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, कोस 30, और बी का ये वाला थीटा की डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, बी कोस 60, ठीक है। तो ये तो इनका क्या हो गया, रिजल्टेंट। और जस्ट जो इनकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, ठीक है, जो परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट हैं, जो ऊपर वाले और नीचे वाले क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो मतलब बी साइन 60 इक्वल टू ए साइन 30 आ गया। यहां पे बी की वैल्यू गिवन थी 10, इसका मैग्नीट्यूड था, थीटा सब गिवन थे, तो बी साइन 60 इक्वल टू ए साइन 30 रखा, तो ए इक्वल टू क्या आया अपने पास, 10√3। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन कंपोनेंट फॉर्म,
अब देखो वेक्टर्स का जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है कंपोनेंट फॉर्म में, उसमें अपन क्या करेंगे, चाहे एक वेक्टर हो, चाहे दो वेक्टर हो, चाहे तीन वेक्टर हो, एक वेक्टर का तो खैर क्या सम होगा, अकेले का डायरेक्टली लिख देंगे। बाकी अगर दो वेक्टर का सम हो तो उनमें क्या करते हैं, जैसे आई वाले अलग, जे वाले अलग और बी सॉरी के वाले अलग, सबके सब अलग अलग क्या होंगे आपस में, मतलब ऐड कर दो चाहे सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे यहाँ पे था मेरे पास ए वेक्टर ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के के, फिर दूसरा वाला बी वेक्टर था बी एक्स आई के बी वाई जे के और बी जेड के, इनको मैं चाहे ऐड करूँ चाहे सब्ट्रैक्ट करूँ, तो आई केप वाले एक साथ रहेंगे, जे केप वाले एक साथ और के केप वाले एक साथ, ठीक है। फिर ए एक्स प्लस बी एक्स, कब, जब ए प्लस बी निकाल रहे हैं अपन, फिर ए एक्स माइनस बी एक्स आ जाएगा, कब, जब अपन ए माइनस बी निकाल रहे हो, मतलब ये प्लस माइनस यहाँ आएगा तो यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी आएगा, मतलब प्लस लेना चाहोगे तो सब जगह क्या आएगा, प्लस, और माइनस लेना चाहोगे तो सब जगह क्या आएगा, माइनस। फिर मान लो तीसरा वेक्टर और हो अगर, तो सेम उसी तरीके से अपन ऐड कर देंगे, तीसरे वेक्टर को भी अगर प्लस करना चाहो तो प्लस हो जाएगा और माइनस करना चाहो तो माइनस हो जाएगा। याद रखिएगा कि आई कैप वाले एक साथ और जे कैप वाले एक साथ और के कैप वाले एक साथ आने चाहिए। फिर है मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इज गिवन बाई, मतलब मैग्नीट्यूड निकालना हो अगर आपको तो क्या करोगे, आई कैप वाले का जो मतलब ए एक्स का स्क्वायर कर देंगे प्लस बी सॉरी ए एक्स ए वाई और ए जेड सबका स्क्वायर करके क्या कर दोगे, अंडर रूट कर दोगे। सेम उसी तरीके से अगर आपको बी का मॉडुलस पूछे तो क्या करोगे, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। अब एक क्वेश्चन है, ऑब्टेन द मैग्नीट्यूड ऑफ 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर इफ ए वेक्टर इक्वल टू आई के प्लस जे के माइनस 2k कैप एंड बी वेक्टर इक्वल टू 2i के माइनस जे के प्लस के कैप। अभी देखो सबसे पहले क्या था, ये गिवन था a वेक्टर और b वेक्टर, पूछा क्या है 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर। सबसे पहले क्या करेंगे, 2a वेक्टर निकालेंगे, 2a वेक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 को a वेक्टर से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2i कैप हो जाएगा, यहाँ पे 2j कैप हो जाएगा और यहाँ पे 4k कैप हो जाएगा। फिर b वेक्टर को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि क्या निकालना है 3b वेक्टर, उसको क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, तो 3b वेक्टर निकालना है। तो यहाँ पे देखो जो कैलकुलेशन कर रखी है मैंने, 2a वेक्टर इसकी जगह क्या रखा है मैंने, देखो ये रहा 2 का 2, a वेक्टर की वैल्यू यहां से पुट कर दी, फिर माइनस का माइनस, 3 का 3 और b वेक्टर का b वेक्टर, मतलब अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट जो फॉर्मूला है उसी हिसाब से चलना है, मतलब i कैप वालों को एक साथ और j कैप वालों को एक साथ और k कैप वालों को एक साथ रखना है। अब जब इनका सॉल्यूशन किया तो यहां से देखो क्या आया, ये था 2i कैप और ये था -6 i कैप, तो यहां से क्या आया माइनस का 4 i कैप फाइनल रिजल्टेंट इनका। फिर यहां से क्या आया 5 j कैप, 5 j कैप, फिर आया 7 k कैप, यही आ रहा है। इनको आगे सॉल्व करोगे तो मतलब i कैप वाले एक साथ, वो ध्यान रखना। अब आगे इनका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड अभी अभी मैंने बताया जो आई कैप के जो गुणा में होता है उसका स्क्वायर कर दो, आई कैप के गुणा में कौन था -4, जे कैप वाले का 5 था 5 का स्क्वायर, के कैप वाले का 7 था 7 वाले का स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर करके ऐड करो और उनका क्या ले लो, अंडर रूट ले लो, क्या आ जाएगा आपको, आपके पास इनका मैग्नीट्यूड आ जाएगा जो अपने को पूछा गया था, क्या पूछा गया था, मैग्नीट्यूड पूछा गया था। और यहां से अगर कोई सी वेक्टर और पूछ लेता, क्या पूछ लेता सी वेक्टर, तो सी वेक्टर कौन सा हो जाता, ये वाला ही क्या हो जाता सी वेक्टर, ठीक है। और ये मैग्नीट्यूड अपने पास कितना आ गया, अंडर रूट 90 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड ए प्लस बी एंड ए माइनस बी इफ ए मैक्स एंगल 37 विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड बी मैक्स एंगल 53 विथ नेगेटिव एक्स एक्सिस एज शोन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 5 एंड बी इज 10।
देखो क्वेश्चन थोड़ा फास्ट पढ़ दिया। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ए वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है उसके साथ कितना एंगल बना रहा है, 37 डिग्री। ये क्या है, क्वेश्चन में गिवन है। और जो बी वेक्टर है वो माइनस एक्स एक्सिस के साथ कितना बना रहा है, 53 डिग्री। ए का मैग्नीट्यूड कितना है, 5, और बी का मैग्नीट्यूड कितना है, 10। आगे क्या पूछा है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर पूछा है। तो देखो ए वेक्टर कैसे लिखोगे, ए वेक्टर को कैसे लिखोगे, ए एक्स आई कैप प्लस बी, सॉरी यहां पे भी ए वाई आएगा, ए वाई जे कैप, मतलब जिस भी वेक्टर की बात हो रही हो उसी का एक्स आएगा और उसी का वाई आएगा। तो बी वेक्टर कैसे आएगा, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। अब जो ए एक्स होता है वो क्या हो गया कि एक्स कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, तो एक्स कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर क्या हो जाएगा, इधर एंगल कितना है, 37, मतलब एंगल की साइड में कंपोनेंट क्या होता है, कोस वाला, एंगल की साइड कोस, तो ये हो जाएगा ए कोस 37 प्लस एक्सिस में है ना, तो ये तो हो गया ए कोस 37। एक्स तो हो गया ए कोस 37 और ए वाई कितना हो गया, ए साइन 37। ये रहा देखो, और इनकी मैंने वैल्यू भी रख दी है, कोस 37 की वैल्यू कितनी होती है, 4/5, और ए की वैल्यू होती है यहां से देखो 5 थी तो वो वाली 5 रख दी, तो इसका किसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4, और ए साइन 37 की वैल्यू कितनी आई अपने पास, 3। ठीक है, फिर सेम इसी टाइप से क्या किसका निकालेंगे, बी का, तो बी का ये वाला एक्स एक्सिस के अलोंग तो कितना आ जाएगा, माइनस बी कोस 53, मतलब माइनस का 6 आया, और वाई एक्सिस के अलोंग कितना आ जाएगा, बी को साइन 53, ये कितना आ जाएगा आप, 8। अब इन दोनों को जब ऐड करना है तो ए का भी वाई वाला और बी का भी वाई वाला, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। देखो ये वाले ऐड हो गए, 8 + 3 इक्वल टू क्या आया, 11। तो ये तो हो जाएगा वर्टिकल में, फिर क्या करेंगे, एक्स एक्सिस वालों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यहां से कितना आया था, प्लस का 4, यहां से माइनस का 6, दोनों को क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया। ठीक है, तो ऐड किया तो कितना आया अपने पास, देखो दोनों को ऐड किया तो कितना आया, माइनस का 2 आया। ठीक है, ये तो मतलब मैंने माइनस यहां पे बार कॉमन ले लिया है, तो माइनस बार कॉमन लिया तो 6 पॉजिटिव हो गया, और यहां से इसको ऐड करना था, मतलब प्लस आता, लेकिन बार माइनस कॉमन ले लिया इसलिए अंदर क्या आ गया, माइनस, या आप अपने हिसाब से इसको क्या कर लो, ऐड कर लो, -6 ये था, प्लस का 4 कितना आया, -2, ये आ गया 11। अब इनका क्या पूछा था, मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करते हैं, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर फाइनली जो आया, और वाई कंपोनेंट का स्क्वायर कितना आया, 11 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 5√5 आ गया, ये 125 आया होगा, चेक करो, 121 + 4, 125 का अंडर रूट, 5√5। एंगल पूछे तो सो द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट विल बी, इतना इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और एंगल, एंगल के लिए मैंने बताया था आपको थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट, वाई कितना आया 11 और एक्स कितना आया 2। आप बोल रहे होंगे कि -2 है, तो बस डायरेक्शन चेंज कर देंगे अपन, ठीक है, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, और अपने पास कितना आ गया, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 11/2, किस एक्सिस के साथ है, माइनस एक्स एक्सिस के साथ है ये, मतलब नेगेटिव एक्सिस। अब आगे क्या निकालना था, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, उनके कंपोनेंट अभी अभी लिए थे, तो ए वेक्टर के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। अब बी वेक्टर था तो बी वेक्टर किस डायरेक्शन में था, एक तो इस डायरेक्शन में आया था और एक इस डायरेक्शन में आया था,
क्या करना है, नेगेटिव नेगेटिव करना है, मतलब इनकी क्या कर दो, डायरेक्शन चेंज कर दो, बाकी सेम रहने दो। जब डायरेक्शन चेंज करेंगे तो उनके मैग्नीट्यूड के साथ क्या आ जाएगा, नेगेटिव। मतलब यहीं से देख लो, इसका मैग्नीट्यूड कितना था, -6, तो ये तो हो जाएगा +6 लेना है अब। और इसको कितना लेना है, ये +8 था, तो ये अब कितना हो जाएगा, -8। मतलब वाई कंपोनेंट इसका कितना आया था अभी अभी देखा, 3, और इसका एक्स कितना आया था, 4। तो इसका जो एक्स और इसका एक्स दोनों ऐड होंगे तो 6 + 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, +9। और जो वाई कंपोनेंट है, -8 + 3, ये कितना आ जाएगा, -5। तो क्या बन गया वेक्टर, 9i कैप -5j कैप बन जाएगा। और उसका जो मैग्नीट्यूड है, सॉरी, ये 6 + 4 = 10 आ रहा है। तो जो इनका मैग्नीट्यूड है वो कितना आ जाएगा, 10² + -5 का स्क्वायर, वही कितना आया, 5√5। और एंगल कितना आया, वही वाई एक्सिस का कंपोनेंट अपॉन एक्स एक्सिस का कंपोनेंट, किस डायरेक्शन में आया, पॉजिटिव। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना बना रहा है, 10 इनवर्स 5/10 एंगल है। अब नेक्स्ट आता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स, मतलब वेक्टर को कैसे मल्टीप्लाई किया जा सकता है। इनके दो मेथड हैं, एक तो होता है मेथड नहीं बोल सकते, मतलब टू टाइप से इनका क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। एक होता है स्केलर प्रोडक्ट और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट। तो जब स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तब अपने को कौन सी क्वांटिटी मिलती है, अपने को मिलती है स्केलर प्रोडक्ट करते ही अपने को क्या मिलता है, स्केलर। और वेक्टर से क्या मिलता है, वेक्टर। तो स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम और है डॉट प्रोडक्ट भी इसको बोलते हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट अपन करते हैं। सपोज अपने पास कोई ए वेक्टर है और एक है बी वेक्टर, इनका क्या करना चाहते हैं, डॉट प्रोडक्ट करना चाहते हैं। और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। तब इनका डॉट प्रोडक्ट करने करेंगे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर से इनको शो करेंगे, और इनकी वैल्यू कितनी आएगी, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कोस के साथ उनके बीच का जितना एंगल था उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अपने पास क्या आ जाएगा, इनका डॉट प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी देखो, इट ऑलवेज ए स्केलर विच इज पॉजिटिव इफ एंगल बिटवीन वेक्टर इज एक्यूट एंड नेगेटिव इफ एंगल बिटवीन देम इज ऑब्ट्यूट। मतलब 90 से अबोव वाला एंगल हो तब तो कोस की वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव। और जब 90 से कम हो एंगल तब वैल्यू कितनी रहती है कोस की, पॉजिटिव। तो जब तक ये 90 डिग्री तक रहेगा कोस की वैल्यू, तब तक तो इनका वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। और जब 90 से अबोव हो जाएगी तब इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी, डॉट प्रोडक्ट की, नेगेटिव। ये कम्यूटेटिव लॉ को भी क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। चाहे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कर दो, चाहे बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर कर दो, सेम आएगा वैल्यू, ठीक है। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी ये क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो ए वेक्टर के साथ चाहे बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर को ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो, मतलब डॉट प्रोडक्ट कर दो, या चाहे ए वेक्टर को बी वेक्टर के साथ डॉट करके सी वेक्टर के साथ अलग अलग डॉट करके भी क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। और ये वाला फॉर्मूला जो अभी अभी बताया वही है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या आता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा। अगर थीटा पूछे तो ये क्या है, कोस थीटा बराबर से क्या हो जाएगा, इधर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है ना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इनके नीचे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस साइड आ गया। और ये जो कोस थीटा था पूरा, लेकिन अकेला थीटा चाहिए, तब क्या करेंगे, कोस थीटा को भी इसी डायरेक्शन में ले आएंगे, और ये क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स ए डॉट बी डिवाइड बाई ए बी। अब देखो किसी वेक्टर के ऊपर मतलब प्रोजेक्शन लेना हो अपने को, इनको बोलते हैं प्रक्षेपण। किसी वेक्टर के ऊपर अगर प्रक्षेप निकालना हो तब वो कैसे निकालते हैं,
देखो सीधा ट्रिक बता रहा हूं, ये वेक्टर बी वेक्टर है, इसका ए वेक्टर के ऊपर क्या निकालना है अपने को, प्रोजेक्शन निकालना है या प्रक्षेप निकालना है। तो आप क्या करोगे, देखो दोनों वेक्टर्स का एक बार क्या करोगे, डॉट प्रोडक्ट, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कर दिया। फिर नीचे क्या करना होगा, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड रखना है जिसके ऊपर आप क्या कर रहे हो, प्रोजेक्शन कर रहे हो, प्रोजेक्शन या प्रक्षेप जो भी कर रहे हो, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड नीचे क्या कर देंगे, डिवाइड। आपको जो वैल्यू मिलेगी वो क्या आएगी, कंपोनेंट मिलेगा, मतलब जिस भी वेक्टर का, जिस वेक्टर के अलोंग क्या ले रहे हो आप, प्रोजेक्शन ले रहे हो, उस वेक्टर का क्या मिल जाएगा, कंपोनेंट उसी वेक्टर की डायरेक्शन में। अब ये क्यों किया आपके दिमाग में आ रहा होगा, देखो ये आपके पास एक बी वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, इसको आप ए वेक्टर की डायरेक्शन में लाना चाहते थे, ठीक है। अगर वेक्टर की डायरेक्शन चेंज करनी है तो सिर्फ डायरेक्शन ही चेंज होनी चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, अपन इसका यूनिट वेक्टर ले लेंगे। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड ले लिया। अब देखो क्या है, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी कोस थीटा। तो बी कोस थीटा अभी अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, बी कोस थीटा कंपोनेंट लेना एक्स एक्सिस के अलोंग। कोस थीटा की वैल्यू कहां से लाओगे, देखो ए डॉट बी वेक्टर था, डिवाइड बाई ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्या था, मॉडुलस। ये किसके इक्वल था, कोस थीटा के इक्वल। तो यहां से देखो बी कोस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, बी कोस थीटा की वैल्यू देखो, ये बी कोस थीटा हो गया, बी यहां आ गया, तो ये हो जाएगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर डिवाइड बाई ए वेक्टर का मॉडुलस ले लिया। तो देखो ये तो थोड़ा लॉन्ग है, लेकिन बाकी मैंने जो बताया अभी अभी कि जिस भी वेक्टर के ऊपर आपको प्रोजेक्शन लेना हो, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड नीचे, बाकी दोनों को क्या कर दो, डॉट प्रोडक्ट के साथ लिख दो, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला देखो, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। अब की बार किसके अलोंग लेने हैं, बी वेक्टर के अलोंग, मतलब बी वेक्टर के ऊपर क्या लेना है आपको, प्रोजेक्शन लेना है। तो जिसके ऊपर लेना है तो उसके ऊपर ले लो, मतलब उसको नीचे बैठा दो, जैसे बी वेक्टर के ऊपर। तो यहां पे क्या ले लोगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इस हिसाब से आप याद रखना। अब देखो इसको स्केलर प्रोडक्ट की वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम कब होती है, तो मैक्सिमम कब होगा, आपके पास क्या आया था, ए बी कोस थीटा। तो कोस थीटा की वैल्यू जब मैक्सिमम होगी, तो मैक्सिमम कितनी होती है, कोस की वैल्यू प्लस एक। तो मैक्सिमम कब मिलेगा, जब कोस थीटा क्या हो, मैक्सिमम, और मैक्सिमम कहाँ होता है, एक के ऊपर। तो ये कब मिलता है, जब थीटा इक्वल टू क्या हो, 0 डिग्री, मतलब दोनों के दोनों वेक्टर क्या हो, पैरेलल हो, तब उनका वैल्यू क्या मिलती है अपने को, मैक्सिमम मिलती है। देखो ए बी मैक्सिमम इक्वल टू हो जाएगा ए बी कोस 0, तो कोस 0 की वैल्यू क्या हो गई, एक, और यहां से क्या मिल गया आपको, ए बी। इफ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर व्हेन देन द वेक्टर आर परपेंडिकुलर, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बाय इटसेल्फ इज टर्म्ड एज सेल्फ नॉट प्रोडक्ट एंड इट इज गिवन बाय ए वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। मतलब किसी भी वेक्टर का खुद के साथ अगर आप डॉट करते हो, तो उस वेक्टर की खुद के साथ जो एंगल है बनाया हुआ वो कितना होगा, 0 डिग्री। तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर निकालोगे तो क्या लिख रखोगे आप, जैसे वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू कैसे निकाल रहे थे आप अभी अभी, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। तो अब क्या निकालना है, ए की जगह भी क्या है, ए, और बी की जगह भी क्या है, ए, मतलब बी की जगह क्या पुट कर दोगे, ए वेक्टर। देखो मैंने यहां पे पुट कर दिया, ए की जगह भी ए पुट कर दिया, और बी की जगह भी क्या पुट कर दिया, ए पुट कर दिया, और कोस थीटा का कोस थीटा, और खुद के साथ खुद जितना एंगल बनाता है वो कितना बनाता है वेक्टर, कोई भी खुद के साथ खुद का एंगल 0 डिग्री,
और कोस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, एक, तो वैल्यू कितनी आई, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो गया, देखो ये वाला अंडर रूट उधर चला गया, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर के ऊपर। स्पीड थोड़ा कम कर सकते हो। इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर, कोई भी यूनिट वेक्टर देखो, या तो एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, या वाई एक्सिस के अलोंग होगा, या जेड एक्सिस के अलोंग होगा। तो आई एक्स एक्सिस के अलोंग कौन सा मानते हैं अपन, आई केप। तो खुद का खुद के साथ एंगल कितना होता है, जीरो। तो कोस जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन। और इनका जो मैग्नीट्यूड होता है हर यूनिट वेक्टर का, वो कितना आता है, वन। तो वन को किस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वन। तो आई केप डॉट आई केप, जे केप डॉट जे केप, के केप डॉट के केप इक्वल टू क्या आता है, हमेशा वन आता है। इन केस ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, आई केप जे केप एंड के केप इक्वल टू आई केप डॉट जे केप। मतलब ऑर्थोगोनल में क्या करेंगे अपन, कि अगर आई केप को जे केप के साथ, या जे केप को के केप के साथ, या के केप को आई केप के साथ जब भी डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तब क्या आती है वैल्यू, जीरो। क्योंकि आई केप जे केप के साथ हमेशा कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री। और 90 डिग्री की वैल्यू, कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। तो जब भी अपन ए डॉट बी निकालना चाहेंगे, तो ए वेक्टर की वैल्यू डॉट बी वेक्टर की वैल्यू, मतलब उनका मैग्नीट्यूड वन वन होगा, लेकिन उनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो कोस 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। देखो इसी के ऊपर, जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपको निकालना हो, तो आप क्या करोगे, सबको अलग अलग क्या करोगे, इनको आई केप वाले को इसके साथ एक बार क्या किया, प्रोडक्ट किया, तो यहां से क्या आया, ए एक्स बी एक्स आई केप का स्क्वायर। तो सेम सेम, मतलब आई केप का स्क्वायर आ रहा है। तो अभी अभी मैंने प्रॉपर्टी बताई, आई केप जे केप और के केप ये आपस में डॉट प्रोडक्ट होते हैं, तब वैल्यू कितनी मिलती है आपको, वन मिलती है। ठीक है, मतलब जब भी दो बार एक किसी का डॉट प्रोडक्ट हो जाए तो वैल्यू क्या मिलेगी, वन। यहां से देखो आई केप के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, यहां से वन वैल्यू मिलेगी। और इनके जो साथ वाले हैं ए एक्स और बी एक्स, वो ऐसे कैसे रह जाएंगे, यहां से जे केप वाले को जे केप के साथ और के केप वाले से के केप के साथ। अब आप बोलोगे कि तीन का ये हमने रख दिया, आगे वाले क्यों नहीं आए, जैसे ए एक्स बी वाई भी आना चाहिए था, ए एक्स वो बी जेड भी आना चाहिए था, तो उनका क्या हुआ। देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो आई केप डॉट आई केप आया, उसकी वैल्यू कितनी आई, वन। जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा बी वाई के साथ, तो यहाँ पे आई केप है और यहाँ पे जे केप है। आई केप और जे केप जस्ट क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होते हैं। तो कोस पर 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। तो जो आपस में जो आई केप जे केप और जे केप के केप, इनकी क्या हो जाएगी वैल्यू, जीरो। तो सेम सेम वाले का क्या हो जाता है, डॉट प्रोडक्ट। तो बिल्कुल ईजी है, डायरेक्ट याद रखना चाहो तो, मतलब आई केप वाले का आई केप के साथ, जे केप वाले का जे केप वाले का साथ, के केप वाले का के केप वाले के साथ, डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट करके क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। उससे आपको क्या मिल जाएगी, वैल्यू मिल जाएगी, मतलब डॉट प्रोडक्ट की। ये वाला क्वेश्चन देखो, इफ द वेक्टर्स पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अब की बार देखो क्या बोल दिया, कि P वेक्टर और Q वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, देखो दिमाग में आ जाना चाहिए, परपेंडिकुलर का नाम सुनते ही कि cos 90 की वैल्यू क्या होगी, जीरो। मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे वो क्या आएगा, जीरो। क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, नॉन जीरो भी हो, तो cos 90 की वैल्यू तो हमेशा क्या होती है, जीरो। तो सामने वाला हमेशा क्या हो जाएगा, जीरो। तो डायरेक्ट P वेक्टर रखा और ये Q वेक्टर रखा। फिर बाकी मैंने अभी अभी बताया कि आई केप वाले की को आई केप वाले के साथ, तो आई केप का यहां कितना है, ए। यहां कितना है, ए। तो ए इंटू ए, ए स्क्वायर। यहां जे केप वाले का कितना है, ए। जे केप वाले का इधर कितना है, माइनस दो, तो माइनस का दो ए। इधर के केप का कितना है, माइनस वन, और यहां पे कितना है, प्लस थ्री, तो माइनस थ्री इंटू माइनस वन, माइनस का थ्री, इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। आगे सोल्व किया तो यहां से अपन क्या कर सकते हैं, देखो इनको सोल्व किया आगे अपन ने, तो ये क्या बना, ए स्क्वायर माइनस क्वाड्रेटिक बन गई यहां से, देखो। तो इसको ए स्क्वायर माइनस थ्री ए प्लस ए माइनस थ्री लिखा, इक्वल टू जीरो रखा, तो यहां से अपने पास ए की वैल्यू कितनी मिल गई, माइनस वन, और थ्री अपने को दो वैल्यू मिल गई। मतलब माइनस वन और थ्री होंगे
एक की वैल्यू, तब ही ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, बाकी कभी भी परपेंडिकुलर नहीं होंगे, आप चेक कर सकते हो। ये आगे क्या पूछ रहा है, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ 3i कैप प्लस 4j कैप अलोंग i कैप प्लस j कैप। देखो जो प्रोजेक्शन बताया था वो यही तो है कि मतलब किसी भी एक किसी भी दूसरे वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट पूछे, मतलब उस वेक्टर के ऊपर क्या ले लो, प्रोजेक्शन ले लो। तो प्रोजेक्शन किसका लेना है, 3i कैप प्लस 4j कैप का, किसके ऊपर लेना है, i k प्लस j k का, मतलब i k प्लस j k का जो मैग्नीट्यूड है वो तो नीचे रख दो, और जो ये दोनों वेक्टर हैं उनको आपस में क्या कर दो, डॉट प्रोडक्ट के साथ मल्टीप्लाई कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, वेयर ए वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप और बी वेक्टर इक्वल टू है 12i कैप प्लस 5j कैप। तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अभी अभी बताया। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का जब आप क्या करना चाहो, डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आई कैप वाले के साथ कौन सा मल्टीप्लाई होगा, आई कैप वाला। तो देखो 12 × 3 = 36 और ये कितना आया, 4 × 5 = 20। इन दोनों को ऊपर क्या किया, एड। फिर मैग्नीट्यूड निकालना था तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करते हैं, आई के स्क्वायर, आई वाले का स्क्वायर प्लस जे का, जे वाले का स्क्वायर, और दोनों का क्या कर देते हैं, अंडर रूट। तो यहां से देखो 3² + 4² पूरे का क्या किया, अंडर रूट। यहां से 12² + 5² यहां से पूरे का क्या किया, अंडर रूट। तो कोस थीटा इक्वल टू क्या आया, 56/65। थीटा की वैल्यू आ गई कोस इनवर्स 56/65। ये खुद से सोल्व करने हैं, ठीक है, जो ऊपर क्वेश्चन करवाए सेम वही है। देखो द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय वी वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। फाइंड द वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी पैरेलल टू द लाइन, ये लाइन की इक्वेशन है आपके पास, i कैप - j कैप + k कैप। मतलब पैरेलल पूछ रहा है, मतलब उसी की डायरेक्शन दोनों की क्या हो जाएगी, सेम। मतलब उस लाइन के ऊपर क्या ले लो, प्रोजेक्शन ले लो। अब आता है वेक्टर प्रोडक्ट, जो वेक्टर्स का जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है उसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, मतलब क्रॉस करवाना। तो जो इनका क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा, और क्या आ जाएगा साथ में एन कैप जो इनका यूनिट वेक्टर है। थीटा क्या हो गया, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल हो गया, ये ए वेक्टर था और ये बी वेक्टर था, और ये उनका क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर हो जाएगा। अब जो इनकी डायरेक्शन होती है, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट की क्या निकालना चाहो आप, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करोगे आप, राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे। मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो यहां पे देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू नहीं होगा बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, बिकॉज इनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। तो आप ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्या निकालना चाहो, क्रॉस, मतलब इधर से इधर, ए वेक्टर से बी वेक्टर की डायरेक्शन में जाना है, राइट हैंड थंब उंगलियों को ए वेक्टर की डायरेक्शन में, फिर बी डायरेक्शन की साइड में क्या करना है, घुमाना है। तो अपना थंब किस साइड में है, प्लेन से आउटसाइड है, तो उसके लिए क्या ले लेंगे, पॉजिटिव, और अगर इनसाइड हो तब क्या ले लेंगे, नेगेटिव। देखो ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, मतलब ए क्रॉस बी इक्वल टू नहीं होता बी क्रॉस ए, बट इनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है, मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम हो ही सकता है, बाकी यहां पे ये इक्वल हो जाते कब, जब डायरेक्शन सेम होती, जबकि इनकी डायरेक्शन सेम नहीं हो सकती। तो इनका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, जबकि डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट। तो द वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव व्हेन द ऑर्डर ऑफ वेक्टर्स इज स्ट्रिक्टली मेंशन्ड, दैट इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी
वेक्टर, मतलब ए वेक्टर को बी प्लस सी के साथ अगर अलग अलग क्या किया जाए, क्रॉस किया जाए, तो भी उनको ऐड कर किया जा सकता है। जैसे ए वेक्टर को बी वेक्टर के साथ अलग क्रॉस कर दो और सी वेक्टर के साथ अलग क्रॉस कर दो, फिर क्या कर दो, वैल्यू पुट कर दो। अब इनकी वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम कहाँ होती है? तो इनकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब साइन थीटा की वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम। और साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है? एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है इसकी? 1 आती है। तो वहां पे ये ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा।